हेलो जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? और एक बार फिर से वेलकम है आपके अपने चैनल में। तो जी, दिन है मंगलवार का, दोपहर का जो है वो 3 बज गए हैं और इस वक्त अपने घर के काम की शुरुआत मैंने करी है और व्लॉग की भी मैंने शुरुआत करी है, क्योंकि कल जो है यानी सोमवार के दिन चाचा जी की 13वीं छमाई बरसोदी जो है वो एक साथ कर दी गई है। और उसके बाद जो है कल काफ़ी सारा काम जो है वो गांव में रहता था, वो सारा काम ख़त्म करके हम लोग सुबह 10:30 बजे जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। आते ही नहा धोकर फिर हेल्पर को बुलाया, तो उन्होंने थोड़े बहुत काम में जो है झाड़ू पोछा वगैरह में हेल्प करी है और उसके बाद हमने करा आराम, क्योंकि इतने दिन से ना सफ़र कर कर के, और वो होता है ना जब घर में कोई डेथ वगैरह हो जाती है तो एक जगह बैठ के रहना बहुत ही ज़्यादा जो है वो डिफ़िकल्ट होता है। सारा सारा दिन जो है वो कमर में बहुत ज़्यादा दर्द जो है वो हो जाता है, और मतलब और एक जगह जब आप नहीं रहते हो तो कहीं और रहते हो तो उसके बाद जो क्या रहता है कि मतलब वहाँ का जो पानी वगैरह होता है ना उसमें भी थोड़ी जो प्रॉब्लम हो जाती है, वो पानी तक जो है वो सूट नहीं करता है। तो बस उसी वजह से जो है थोड़ा सा मुझे दिक्कत भी हो गई थी। कल मेरी तबीयत भी जो है वो जो 13वीं वगैरह के बाद जो है मेरी भी तबीयत थोड़ी ख़राब सी जो है हो गई थी। फिलहाल जो है अपने कामों में हम लग गए हैं और स्टार्टिंग में रिक्वेस्ट है, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और सबसे पहले आप सभी को मैं थैंक यू नहीं बोल पाई, मेरा थैंक यू बोलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि हिमांग फैमिली व्लॉग्स की फैमिली जो है 50,000 कंप्लीट हो चुके हैं, 51,000 होने वाले हैं, यानी 51,000 का जो है फैमिली हमारी हो गई है। और 51,000 का आपने बहुत ही अच्छा शगुन जो है, एक शगुन के तौर पे मुझे जो ये फैमिली मिली है तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा लगा। आप सभी को उस चीज़ के लिए थैंक यू सो मच। जिस जिसने मेरी वीडियोस को देखा है, हिमांग फैमिली व्लॉग्स की वीडियोस को, चाहे शॉर्ट्स है लॉन्ग वीडियोस हैं, जिस जिसने भी देखा है, जिसने सब्सक्राइब करा है, चाहे किसी ने बिना सब्सक्राइब करे देखा है, सभी को जो है वो थैंक यू, मतलब दिल की गहराइयों से जो थैंक यू मैं बोल सकती हूँ ना वो मैं बोल रही हूँ, थैंक यू सो मच। और मैं सच बताऊँ तो हम लोगों की प्लानिंग तो कुछ हो रही थी कि 50K होंगे तब जो है हम सेलिब्रेट करेंगे, मेरी ननद भी आई हुई थी, और लेकिन मंडे के दिन वो लोग चले गए थे और ये था कि 2-3-4 दिन में अगर 50,000 हो जाते हैं तो वो यहीं रोहतक में रहते हैं, तो मैं उसको बुला लूँगी और हम लोग जो है वो सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन जैसे ही वो गई, अगले दिन सुबह सुबह जो है गाँव से ऐसी न्यूज़ आई तो फिर जो ये सारी चीज़ें हो ही नहीं पाई हैं। फिलहाल गांव का सारा काम ख़त्म करके सब कुछ जो है वो चाचा जी का करके मतलब जो भी होता है, जो भी रीति रिवाज है वो सारा कर आके हम लोग जो पहुंच गए हैं। और यहाँ आके भी अपने घर की साफ सफाई करना और फिर गंगा जल का छींटा देना, मंदिर की क्लीनिंग करना, माता रानी की ड्रेस चेंज करना, और इवन माता रानी की ड्रेस मैंने अभी ना 5-6 दिन पहले ही, जिस दिन यानी संडे के दिन जो है वो सैटरडे के दिन जो है वो मैंने चेंज करी ही थी, लेकिन अभी जो है मेरे पास कोई नई ड्रेस नहीं है, तो मैं मंदिर की साफ़ सफाई जो है वो शाम को करूँगी। और शाम को ही जब वरुण को राइटिंग क्लास छोड़ने जाऊँगी ना, तो आते टाइम जो है वो दूसरी साइड से होते हुए आऊँगी जहाँ पे गुफा वाला मंदिर है ना, तो वहाँ माता रानी की ड्रेसेस वगैरह जो है वो मिल जाती हैं, तो वहाँ से आते टाइम जो है वो ड्रेस वगैरह लेकर आऊँगी और फिर जो है मैं मंदिर की क्लीनिंग भी करूँगी। फिलहाल जो है 2-3 सूट मेरे भी हो गए थे, क्योंकि वहाँ गांव में जो है वो सूट वगैरह ही पहनते हैं, और या फिर जो है मैं क्या करती हूँ रात को जो है फिर जो सलवार होती है या तो उसके ऊपर टी शर्ट वगैरह पहन लेते हैं, या प्लाजो होता है तो उसके ऊपर टी शर्ट वगैरह जो है वो पहन लेते हैं, तो ऐसे जो है वो चलता है। तो 2-3 सूट मेरे भी हो गए थे, बच्चों के बहुत सारे बच्चे भी चले गए थे हमारे साथ गाँव, तो बच्चों के भी बहुत सारे कपड़े हो गए थे, और जो है फिर हस्बैंड के थे साथ में, तो एक अच्छा खासा जो है वो कपड़ों का ढेर जो है वो इकट्ठा हो गया था। और साथ में एक दुख की बात ये है कि घर में सारे पौधे, सिर्फ ये 3-4 पौधों को छोड़ के सारे पौधे सूख गए हैं बहुत बुरी तरह से। अभी जो हमने नए पौधे लगवाए थे उनमें पानी, वन बीच में हिमांग के मामा आए भी हैं, पानी भी देकर गए हैं, फिर भी गर्मी की वजह से जो है उम्मीद नहीं थी, इतने ज़बरदस्त 3-4 पौधे जो है वो जो नए लगवाए थे ना सारे के सारे जो है वो सूख गए हैं। फिलहाल जब वरुण बार बार कुछ पूछने के लिए आ रहा था और मैं मतलब जोरों शोरों से अपने कामों में लगी थी, क्योंकि ना तो हमारे यहाँ बारिश हो रही है और ना भी जो इतनी तेज़ धूप भी नहीं थी कि मैं परेशान हो जाऊँ धूप में काम करते हुए, तो धूप ना होते हुए मैंने सोचा इसका फ़ायदा उठा लेती हूँ और अपने काम जो है वो मैं ख़त्म कर लेती हूँ। इसलिए जो है वो फिर मैं दोपहर को ही अपने कामों में लग गई। मैं कहा नहीं, अगर मैं कल से शुरुआत करूँगी तो फिर जो है कल मेरा सारा दिन जो है वो ख़राब हो जाएगा, और बच्चों के स्कूल के प्रोजेक्ट्स वगैरह, बच्चों के स्कूल के काम जो है वो अभी तक पेंडिंग थे,
तो मैं कहा नहीं, जितना मैं अपना टाइम बचा सकती हूँ ना उतना टाइम मैं जो है वो बचाऊंगी, और जो है फिर कल के लिए देखेंगे कि मैं बच्चों का काम जो है, क्योंकि हिमांकी टीचर को भी आना है, कैसे क्या कुछ है वो बच्चे के दोनों बच्चों के कामों को मुझे मैनेज करना है, क्योंकि विद इन वन वीक जो है फिर बच्चों के स्कूल वगैरह भी हफ्ते में नहीं तो 10 दिन में जो है वो ओपन हो जाएंगे, और फिर काम जो है वो बच्चों का रह जाएगा। ये कुछ थोड़े बहुत बर्तन भी थे सुबह से लेकर अभी दोपहर से लेकर शाम तक के, तो वो बर्तन भी जो है मैंने साथ साथ में क्लीन कर दिया, किचन क्लीन करूँगी, और खाने में फिर जो है मैं सोच रही हूँ, क्योंकि मैं आई हूँ ना तभी से ही जो है वो काम में लगी हुई, तो फिर जो है थोड़ा सा ना थकावट भी हो जाती है, तो सब्ज़ी रोटी फिर मैंने सोचा कि ना कढ़ी चावल से अच्छा ऑप्शन कोई हो ही नहीं सकता, तो खाने में जो है वो मैं कढ़ी चावल जो है वो बना दूँगी। और 13वीं होने के बाद और 6वीं बरसोदी होने के बाद जो घर में हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे हरियाणा में रीति रिवाजों के अनुसार जो है कढ़ाई वगैरह चढ़ सकते हैं, मतलब जब तक ये सारी चीज़ें नहीं होती ना तब तक घर में खीर हलवा ये सारी चीज़ें नहीं बनती हैं, या और कोई भी तरह का ऐसा जो है वो सामान नहीं बनता है जो कढ़ाई में बनाया जाता है, तो वो सारी चीज़ें नहीं बनती हैं, तो हो गई थी, तो मैंने सोचा आज कढ़ी जो है वो मैं कढ़ाई में ही जो है वो बना देती हूँ, मीठा तो बनता ही नहीं है, कहने का मतलब ये था। तो फिर जो है मैंने सोचा कि टाइम को, क्योंकि एक तरफ मैं कढ़ी उबलने के रखूँगी ना, दूसरी तरफ जो है वो फिर मैं मंदिर की क्लीनिंग वगैरह करूँगी, फिर जो है साथ साथ में वरुण की क्लासेस को वापस लाने तक का जो है वो टाइम हो गया था, तो एक साथ जो ना एक कामों का बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो थोड़ा हाथ भी जो है वो तेज़ी से चलाना पड़ता है। बस मैंने जो है वो तड़का लगा दिया है, आज मैंने सिर्फ जो है वो प्याज का लगाया है, और मेथी डालूँगी अभी सूखी मेथी, और टमाटर का नहीं लगाया है। कई बार मैं जब टमाटर का तड़का लगाती हूँ तो उस टाइम होता है कि आप टमाटर कढ़ी में टमाटर कौन डालता है, तो हमारे यहाँ तो भाई देखो डाल लेते हैं, हर स्टेट का खाने का तरीका जो है, खाने का स्वाद जो है वो अलग होता है, खाने का बनाने का तरीका जो है वो अलग होता है। तो फिलहाल जो है मैं, आप देख सकते हो कि कपड़े मेरे ना गीले हैं, फिर भी मैं, मेरे को ये था कि जितना टाइम बचा के मैं अपने काम कर सकूँ मैं अपने काम जो है वो कर लूँ, और मैं माता रानी की ड्रेस जो है वो वरुण को जब ट्यूशन क्लास जो राइटिंग क्लास छोड़ने गई थी ना तब मैं माता रानी की ड्रेस भी ले आई थी, और गूगल वगैरह और 2-4 चीज़ें और लेकर आई थी, तो वो मैं कल यूज़ जो है वो करने वाली हूँ, और फिर थोड़ा बहुत मैंने इसमें गंगा जल मिलाया, और फटाफट से अब अपना ये काम जो है वो ख़त्म करूँगी, क्योंकि इतने दिनों से जो है वो हम लोग यहाँ पर नहीं थे, तो जो है वो आस पड़ोस वाला भी जिसको भी आना होगा मिलने के लिए, क्योंकि क्या होता है ऐसे में आस पास के जो है जहाँ हम रहते ना वो लोग भी आते जाते हैं, तो वो उसमें ना फिर थोड़ा टाइम लग जाता है, उनके साथ उठना बैठना भी होता है, चीज़ें पूछते हैं क्या कुछ हुआ, तो इन चीज़ों में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो मेरे को ये था हर टाइम बचा के मैं अपने जितने काम कर सकती हूँ ना उतने काम मैं कर लूँ, और फिर इसी बीच जो है वरुण की क्लासेस जो वापस लाने का टाइम हो गया, तो हस्बैंड जो है वो चले गए थे, तो मैंने सोचा मैं अपने ये काम निपटा लेती हूँ फुर्सत से, क्योंकि ना इतने दिन से पूजा पाठ नहीं हुई थी ना, तो मन को सुकून भी नहीं मिल रहा था, मैं सच बताऊँ थोड़ा सा मुझे नहीं ये हो रहा था कि हाई मेरे घर में पूजा नहीं हो रही है, मंदिर का दरवाज़ा बंद है, वो होता है ना एक जब हम रेगुलर बेस पे पूजा पाठ करते हैं, तो बस वही भी मेरे मन में जो है वो चल रहा था, तो मैं पूरी जोरों शोरों से मैं तैयारी में लगी थी कि नहीं मैं इवन इस तरह की जो ड्रेस जो है वो मैं नई लेकर आई हूँ मैं माता रानी के लिए, और मैंने दीदी से पूछा भी कि अगर साड़ी वगैरह में कोई ड्रेस आती है तो बता दो मुझे, तो दीदी ने बताया कि साड़ी में ड्रेसेस आती तो हैं लेकिन हमारे यहाँ पे ना जो कम बिकते हैं तो वो लोग लेकर नहीं आते हैं, और आसपास के दुकानों वालों से भी मैंने एक दो, मतलब पिछली बार मैंने ड्रेस ली थी ना तो उस टाइम मैंने पूछा भी था, तो फिर जो है नहीं मिली इतनी अच्छी ड्रेसेस जो है वो, क्योंकि माता रानी की ड्रेसेस सिर्फ नवरात्रों में मिलती हैं बहुत अच्छी अच्छी, वैसे नहीं मिलती, वैसे सिर्फ कान्हा जी की जो है वो मिलती है, लड्डू गोपाल की कान्हा की जो है वो ड्रेसेस मिलती हैं। फिलहाल जो है 50K का सेलिब्रेशन हम करेंगे एक दो दिन में करेंगे, फिलहाल के लिए तो ये था कि पहले मैं अपने घर को संभाल लूँ अच्छे से, और सेलिब्रेशन तो जो है वो होता रहेगा। सेलिब्रेशन तो क्या है कि बच्चों को बहुत, क्योंकि ना काफ़ी दिन से ना वरुण को ये हो रहा था, मम्मी हमारे 50,000 सब्सक्राइबर कम कंप्लीट हो गए, हम केक काटेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, एक होता है ना बच्चों के मन में थोड़ी एक्साइटमेंट होती है, हमारे मन में भी होती है लेकिन बच्चों के मन में बहुत ज़्यादा होती है, तो ये माता रानी के दर्शन कर लीजिएगा आप भी। तो फिर जो है मेरे को ये था कि और ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन फिर हम जो है थोड़ा सा केक वेक जो है वो ज़रूर काटेंगे, जैसा भी होगा मैं आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करूँगी, अगर नहीं हो पाया तो मुझे पूरा यकीन है बहुत बहुत जल्दी आप लोग है आप सब मुझे मिलकर जो है 1,00,000 सब्सक्राइबर तक मुझे पहुँचा देंगे, और हम 1,00,000 सब्सक्राइबर का प्ले बटन के साथ केक ज़रूर काटेंगे और सेलिब्रेट भी जो है वो ज़रूर करेंगे।
फिलहाल जो है बस ये था कि अपने घर पहुंचो, एक दो जो हमारे काम जो आगे पीछे के अचानक हम जो छोड़ के चले गए थे, बहुत सारे काम हमारे यहाँ पेंडिंग थे, 2-3 दिन के अंदर अंदर मुझे वो सारे काम ख़त्म करने हैं। वरुण को डॉक्टर के पास भी लेके जाना है क्योंकि उसको उसका एक दांत जो है वो निकलेगा, और भी काफ़ी सारे काम है। फिलहाल व्लॉग का एंड करूँगी, यहीं पे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जो फर्स्ट टाइम विजिट करा, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को।